बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव को लेकर बैठक होनी है। तीन राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा में 90 तो वहीं महाराष्ट्र में 288 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है। वहीं झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तमाम पार्टियां जुटी पड़ी हैं। सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है और आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। सीटों की अगर बात करें तो हरियाणा में 90, महाराष्ट्र में 288 और वहीं झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली में आज चुनाव आयोग की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा होगी। साथ ही साथ तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों में अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो तमाम तैयारियों में तीनों ही राज्यों की तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आज तारीखों का ऐलान हो जाता है। तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आज क्या लगता है तारीखों का ऐलान होगा बैठक के बाद में? देखिए, चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र और हरियाणा गई थी और वो लौट कर उसने अपनी रिपोर्ट आज दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी तारीखों पर मंथन होगा, जो खबर हमें मिल रही है। झारखंड में चुनाव की अधिसूचना बाद में रिलीज होगी। ये जरूर है कि पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी तारीखें तय की जाएगी और शायद यही वजह की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, हरियाणा में 90 है, जबकि झारखंड में 81 है, इन पर चुनाव होने हैं। इसके लिए साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में अक्टूबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, ये माना जा रहा है कि जबकि चुनावी नतीजों के लिहाज से ये तारीखें काफी महत्वपूर्ण होगी। पिछली बार जब चुनाव तारीखें ऐलान की गई थी तो त्योहारों का ध्यान रखा गया था, इस बार भी बीच में त्योहार पड़ रहे हैं, दिवाली की बात हो या दूसरे, इसीलिए चुनावी तारीखों का जो समायोजन किया जाना है वो इन्हीं तारीखों को ध्यान में रखकर किया जाना है। लिहाजा जो समीक्षा बैठक है, जो रिपोर्ट चुनाव आयोग के अधिकारी जो इन्होंने जोड़ा किया है महाराष्ट्र और हरियाणा का, उस रिपोर्ट पर मंथन होगा और उसके बाद संकेत मिलेंगे कि चुनाव आयोग कब तक तारीखों को तय कर लेगा और उसका औपचारिक ऐलान कब तक कर देगा। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अगले एक दो दिनों में इन तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए प्रदीप जी।